भाई आज हो रही है तबाही की गर्मी, इतनी गर्मी कि भाई हमारा दिल चाह रहा है बस चाय और डुबकियाँ लगा लगा के नहाएं। लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने के बाद हमें लग रही थी हमेशा की तरह भूख, तो हमने कहा यार कहीं चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो भाई मेरे दोस्त ने कहा कि हम मक्का चौक चलते हैं, वहाँ पे मतलब बन कबाब वाला मिलता है। मैंने कहा अच्छा भाई चलो जी चलते हैं, ट्राई करते हैं बन कबाब वाले को। तो हम निकल पड़े मक्का चौक के रास्ते में, तो हम चलते गए चलते गए चलते गए मक्का चौक के लिए। उसके बाद भाई गर्मी तो भाई बहुत शदीद थी, इसमें मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा आप लोग घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके घर में ही रहें, क्योंकि भाई गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो रही है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो भाई हम लोगों का तो मजबूरी है, हमें शूट वूट करने हैं और यूनिवर्सिटी आने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम पहुंच गए सुपर बन कबाब वाले के पास, यानी कि जो मक्का चौक में था। जब भाई साहब कबाब तैयार कर रहे थे, आपके भाई के मुँह में आ गया बड़ा ज़बरदस्त वाला पानी, क्योंकि यार बड़े मज़ेदार तरीके से तैयार कर रहे थे। तो हम देखने लगे और ये देख रहे थे किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। अच्छा खासा इनके पास रश होता है, तो हम आज रश इतना देखने को नहीं मिला, मुझे लग रहा था कि गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक दफ़ा आ चुका था यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी रश था, तो रश होता है, लेकिन इस दफ़ा रश नहीं था। तो चले हम देख रहे थे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ, चटनी वगैरह इनकी तैयार हो रही थी। तो ये सब देखते देखते हम थक गए। फिर चलो भाई हमने बोला कि अब इनके देखते हैं भाई किस तरीके से बनता है, तो ये आप लोग देखें किस तरीके से बनता है। तो भाई ये आ गया हमारा बन कबाब, तो ये बन कबाब तो आ गया हमारा। चलो हमने ये देखते हैं यार, चटनी है इसके साथ, प्याज है, और काफ़ी सस्ते डिश थी ये, कोई हमारे कुल मिला के कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक के साथ ये 320 में हम दोनों बंदों ने खा लिया आराम से। और भाई मजीद तो बड़ा खुश था भाई, उसको बन कबाब बड़ा पसंद है। तो हम आपके भाई ने फ़ौरन ट्राई किया, खाने के बाद भाई को नॉर्मल लगा, ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि यार इतने सस्ते में आपका पेट भर जाए बहुत है। तो आप लोग भी ट्राई करें, नॉर्मल है भाई, क्यों नॉर्मल लगा, बाकी आप लोगों को मज़े का लगे तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, सबका अपना अपना जायका होता है। मस्जिद को बड़ा ज़बरदस्त लगा। तो